साथियों, आज पूरा देश हमारे अन्नदाताओं के समर्थन में अपनी बात रख रहा है। इस देश का अन्नदाता, ये समझ लीजिए 60 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो इस देश के लिए अन्न उपार्जन का काम करती है। हमारे देश की 135 करोड़ की आबादी का पेट भरने का काम जो करती है, आज उनको अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना पड़ा। वो अन्नदाता जिनने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ इस नरेंद्र मोदी की सरकार को चुना था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लोभ लुभावने वादे और एक तरीके से जुमलों के झांसे में फंसकर अन्नदाताओं ने दो बार इनको इस देश में चुना। आज वही सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण किसान भाइयों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आई है। इन कानूनों का सीधा सा उद्देश्य है कि उद्योगपतियों की जेब भरना और हमारे अन्नदाताओं के हाथ को खाली छोड़ देना। हमारे अन्नदाताओं की उपज का जो मिनिमम जो समर्थन मूल्य है उसको अन्नदाताओं की जेब से दूर करना। ये स्पष्ट नीति और स्पष्ट नियत मोदी सरकार की दिख रही है। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर इस तरह के काने कानून इस देश पर थोप रहे हैं। हमारा अन्नदाता आज दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। ये तरीका कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसान भाई हो या कोई और हो, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी मांगे मानने का लोकतांत्रिक अधिकार है। नरेंद्र मोदी सरकार से मांगे 3 काले कानून वापस ले, किसान भाइयों पर अत्याचार करना बंद करे, उनकी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सुने। ये देश सभी का है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। जय हिंद, जय भारत।